खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र सरकार को लेकर भागम भाग मच गई है। कल शिवसेना ने ऑपरेशन कमल के डर से अपने विधायकों को रंग शारदा होटल में छिपाया था। आज कांग्रेस अपने विधायकों को जयपुर ले जा रही है और अभी अभी खबर आई है कि शिवसेना अपने विधायकों को रंग शारदा से भी कहीं और शिफ्ट कर रही है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि रंग शारदा होटल में एसी बस पहुंची है। तो देखिए जरा महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, विधायकों को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। दो एसी बसों में शिवसेना के इन विधायकों को अब रंग शारदा होटल से भी कहीं और ले जाया जा रहा है। ये देखिए सफेद रंग की जो बस आपको नजर आ रही है, बस यहां पहुंच चुकी है और विधायकों को यहां से शिवसेना हटा रही है। रंग शारदा के बाहर अभी एक बड़ी एसी बस यहां पर लाई गई है और इसे अंदर ले जाया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यहां पर एमएलए शिवसेना के रुके हुए हैं उन्हें इस बस में बिठाकर कहीं पर ले जाया जाए। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये बस किस लिए आई हुई है, लेकिन ये बस रंग शारदा के लिए जो है जा रही है। पुलिस ने अभी इससे बात की है, पुलिस परमिशन के बाद जो है ले जाया जाएगा। भाई साहब ये कहाँ जा रही है? होटल में जा रहे हैं? होटल में जा रहे हैं। तो शिवसेना की तरफ से बुलाई गई क्या? की तरफ से बुलाई गई, कुछ बोला नहीं आपने? जैसा कि बताया जा रहा है कि ये बस जो है शिवसेना की तरफ से बुलाई गई है और इन्हें रंग शारदा ले जाया जा रहा है, होटल में पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद है कि इसके पीछे आप एक और बस सकते हैं, दो बसें यहां पर हैं जिसे रंग शारदा में लाया गया है और ये जो है बसों से हो सकता है कि शिवसेना के एमएलए को बिठाकर कहीं ले जाया जाए। तो ये अभी चहल पहल यहाँ पर बढ़ चुकी है रंग शारदा पे और यहाँ पर दो एसी बसें आई हैं रंग शारदा पे जिसे एमएलए को लेकर के कहीं जाया जा सकता है। कैमरामैन अनूप के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। सोचे वाला महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से कई नाटकीय घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना के कैंप से एक और बड़ी खबर है। शिवसेना भवन में जो बड़ी बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के सभी सांसद और कई बड़े नेता मौजूद थे। सीधे आपको हम अजय दुबे के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से? जी देखिए, बैठक खत्म हो गई है और जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उनके बाहर आने का अब इंतजार है, उनके हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बारे में बात करेंगे, पर जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि अंदर उद्धव ठाकरे ने अपने जो तमाम जिलों से आए नेता हैं उनको आश्वस्त किया है कि बिल्कुल चिंता न करें। और देखिए आने की अब सुबुगाहट यहाँ शुरू हो गई है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बाहर आ रहे हैं। अंदर शिवसेना भवन में तमाम जो महाराष्ट्र भर में जिला प्रमुख हैं, सांसद हैं और शिवसेना के प्रमुख संगठन के नेता हैं, विशेष तौर पर संगठन के नेता, उनको बुलाया गया यहाँ पर। उनके सामने पूरी सूचना रखी गई, उन्हें ब्रीफ किया गया कि क्या कुछ पार्टी का स्टैंड होगा। वैसे तो बार बार ये बात दोहराई गई कि ये किसानों से जुड़ी हुई मीटिंग है, खेतों से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर की जाएगी, पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर जितना भी संवाद है अभी जो राजनीतिक परिदृश्य महाराष्ट्र में बना हुआ है उसको लेकर बात होगी। शिवसेना बार बार मुख्यमंत्री पद की बात कर रही है, आधे टर्म की बात कर रही है, पर बीजेपी है उसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है और जो आधा टर्म है उसको लेकर कोई संवाद नहीं होगा। अब इस पूरी बातचीत के बीच में, इस पूरे जो बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचातानी जा रही है इसके बीच में यहाँ पर शिवसेना भवन में पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक अंदर जो नेता हैं उनके संग चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ नेता बाहर निकले, अब इंतजार यहाँ पर बिल्कुल अजय देखिए ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि जिन विधायकों को यहां पर होना चाहिए था बैठक में वो नहीं है, वो किसी होटल में है और बाकी लोग वहां पर हैं शिवसेना के नेता। आपको लगता है कोई ठोस बात यहां से निकलकर सामने आएगी कि यह ड्रामा भी जारी रहेगा? देखिए इस मीटिंग का जो पूरा महत्व है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जिलों के प्रमुखों को बुलाया गया है, संगठन के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। संभवतः शिवसेना इस मीटिंग के माध्यम से जिला स्तर तक अपने कैडर तक संदेश पहुंचाना चाहती है क्योंकि इसमें तमाम जिलों के प्रमुख आए हैं। विधायक इस समय रंग शारदा में है और अब रंग शारदा से उन्हें गाड़ी से कहीं और लेके जाया जा रहा है। तो इस पूरी राजेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। रंग शारदा वो होटल जहां पर शिवसेना के विधायकों को फिलहाल रखा गया है। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है, वहां से विधायक वहां पर अभी हैं या वहां से कहीं और ले जाया जा रहा है? आनंद, अभी जो भी विधायक हैं वो सारे रंग शारदा में हैं। आधे घंटे पहले यहां पर बस आई है और
उन सबको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जो है कोशिश की जा रही है। जो भी विधायक यहाँ पर रुके हैं, जो कुछ बाहर आए थे, उनसे हमने बात किया था, उनका कहना था कि जी हम लोगों को यहाँ से कहीं और पे ले जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दो बसेस जो है वो खड़ी हुई हैं और उन्हें जो है पूरी तैयारी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही जो है इन लोगों को कहीं और ले जाया जाएगा। लेकिन ये बस इन लोगों को लेकर के कहाँ पर जाएंगी अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। कल जब बात हुई थी तब ये कहा गया था कि जो है जो विधायक हैं शिवसेना के उन्हें ट्राइडेंट होटल में ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी देखिए कि जो शिवसेना के कुछ विधायक हैं जैसे कि ठाणे प्रताप सरनायक यहाँ पर आ रहे हैं, वो बस के पास ही जा रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि प्रताप सरनायक जो है वो बस के पास खड़े हुए हैं और वो वहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। हाथ में जो कागज है शायद वो लिस्ट है उन MLA की जिन्हें इन बसों में ले करके जाया जाएगा। पुलिसकर्मी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये MLA को कहाँ ले जाया जाएगा शिवसेना के अभी ये नहीं पता है, लेकिन राजेश रंग ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, पहल बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और एक सवाल है मेरा आपसे राजेश, क्या शिवसेना को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है? आखिर क्यों उन्हें इस तरीके से छुपाया जा रहा है, एक होटल से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है? देख सकते हैं कि जो पीछे की आप तस्वीर देखेंगे भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है, जो अंदर विधायक हैं कुछ खास जो शिवसेना के विधायक माने जा रहे हैं उन्हें जो है बाहर लाया गया है, वो बसों के पास आ रहे हैं, हाथ में उनके लिस्ट है, उन लिस्ट में जो है शायद उन विधायकों के नाम है और उनको देखा जाएगा कि कौन कौन सारे लोग इन बसों में बैठे या नहीं। लेकिन अभी ये लोग जो है कहाँ पर ले जाए जाएंगे, किस होटल में ले जाया जाएगा, इस बात का नहीं पता चल रहा है। कल जब रंगसारदा से पहले ये खबरें आ रही थी कि शिवसेना के सभी विधायकों को ट्राइडेंट होटल या फिर BKC में जो सॉफिटेल होटल है वहां पर रखा जाएगा, लेकिन बिल्कुल राजेश मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना भवन में जो बैठक चल रही थी वहां कुछ हलचल तेज है। अजय दुबे का हम सीधे रुख कर लेते हैं। अजय, कुछ अपडेट है क्या आपके पास? उद्धव ठाकरे बाहर आए क्या? जी बिल्कुल, तैयारी हो गई है, गाड़ी देखिए यहाँ पर देखेंगे जिस गाड़ी से वो ट्रेवल करते हैं वो गाड़ी बिल्कुल गेट पर लगा दी गई है। सुरक्षा के जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो आसपास खड़े हो गए हैं मीडिया को एक तरफ करने के लिए, तो निकलने की पूरी तैयारी है यहाँ पर और निकलने के संग इंतजार है कि वो बाहर आए हो तब हम उनसे सवाल कर सके। बात अभी विधायकों की निष्ठा पर हम कर रहे थे, देखिए निष्ठा के विषय में बात करें तो बार बार जो संजय राउत थे वो यही कह रहे हैं कि हमें विधायकों पर पूरा भरोसा है, उनकी निष्ठा पर हमें पूरा भरोसा है। और दूसरी बात ये, विधायकों ने जब कल वो मातोश्री से बाहर निकले उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि अगर तोड़फोड़ की कोशिश की जाएगी तो शिवसेना को जाना जाता है उसके काम करने के तरीके से और उसी तरीके से वो जवाब देगी इस तोड़फोड़ का।